थिएटर पनि आयो जैसा है जैसे आप देख सकते हैं कि आप इस सीरियल में मैं एक विलन का रोल कर रहा हूं जो खलनायक है और कुलकर्णी जो है वो शिरडी का एक अधिकारी है, एक बड़ा वैद्य है और जब साई आते हैं शिरडी में तो उसे बहुत बुरा लगता है कि शिरडी में आए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो मैं उनके खिलाफ हो जाता हूँ, मैं उनके विरुद्ध हो जाता हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो भी मेरे तरह एक वैद्य है, लेकिन वो खाली वैद्य नहीं है, वो एक पुण्यात्मा है, एक ऋषि है, तो ये मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती है कि मैं उनके विरुद्ध खड़ा हो जाता हूँ और मैं उनको बहुत तंग करता हूँ और खलनायक है, निगेटिव कैरेक्टर है इसमें। अच्छा, मेरा नाम अभी सूफी है और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर शाम को 7:30 से 8 बजे तक एक शो आता है मेरे साई, जिसमें मैं साई का कैरेक्टर कर रहा हूँ। मैं इंदौर पहले कभी नहीं आया था, मैं पहली बार इंदौर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि जैसे पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से, देश विदेश से प्यार मिलता है, यहाँ पर भी लोग मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे और उम्मीद है कि आने वाला जो 2-1 घंटे हैं वो बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, यादगार बीतने वाले हैं। साईं मंदिर में आप जाते हैं, किस तरह के लोग मिलते हैं, कैसा आपके लोग देखते हैं? साईं भक्त हमेशा प्यार से ही भरे होते हैं, उसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होता कि शॉकिंग हो, क्योंकि जब मैंने ये कैरेक्टर पकड़ा था उसके बाद से मेरे ही मन में इतनी श्रद्धा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जहाँ भी जाऊँगा लोग उतनी भावना, इतने प्यार से ही मिलते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपको मैसेज करते हैं, किस तरह के लोग आपसे, किस तरह की बातें करते हैं, कैसा मैसेज करते हैं? लोग बहुत प्यार देते हैं, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक उनके मैसेजेस आते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग कैसे इतना समय निकालते होंगे, वो लोग आपने लंच किया, अगर मेरा जवाब नहीं जाता है तो फिर उधर से आता है आप लंच कर लीजिएगा, उम्मीद है आपने लंच किया होगा, तो अब शाम की चाय का समय हो गया है, तो लोग ऐसे करके मैसेज भेजते हैं और कई बार मैं मजाक भी कर लेता हूँ, उन्होंने पूछा होता है कि अगर आपने डिनर किया तो मैं बोलता था नहीं अभी आपने भेजा है तो आया नहीं है, जैसे ही पैकेट डिलीवर होगा मैं खा लूँगा, और लोग भी ऐसे हैं फिर उसके बाद डाउनलोड कर करके पिक्चर्स भेजते हैं, ठीक है आज मैंने आपके लिए पनीर भेजा है, आज मैंने आपके लिए बिरयानी भेजी, कुछ भी मतलब जो उन्हें मिलता है वेज बिरयानी है, आज ही मैंने आपके लिए पायस भेजा है, तो कुछ ना कुछ लोग भेजते हैं और मैं भी उतना ही प्यार से कहता हूँ हाँ बहुत टेस्टी था, थैंक यू सो मच। ये थोड़ा सा डराने वाला है क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं बाबा का कैरेक्टर कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने अलग अलग तरीके के कैरेक्टर किए हैं, कभी पुलिस कॉप था, कभी आर्मी कैप्टन था, विलन भी किया है, तो ये एक्टर की लाइफ में ये शेड्स होते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये मेरा शेड लोगों को पसंद आ रहा है, बाबा की दुआएं हैं, उनका आशीर्वाद है कि मैं इसे अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो अच्छी फीलिंग है। मंदिर में तो मैं एक ही चीज़ करने जाता हूँ, बाबा के दर्शन, बाकी तो लोग करते हैं। जी थैंक।